यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ू तो तू धर्मी ठहरेगा, तो भी मुझे अपने संग इस विषय पर वाद विवाद करने दे कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। क्या कारण है कि जितने नित विश्वासघात करते हैं वह बहुत सुख से रहते हैं। तूने उनको बोया और उन्होंने जड़ भी पकड़ी, वे बढ़ते और फूलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस किस प्रकार रहता हूं। और सो जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के लिए और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? और अब तक तो तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे भी तेरे पीछे ललकारते आए। इस कारण चाहे वे तुझसे मीठी बातें भी कहे, तो भी उनकी प्रतीति न करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपना निज भाग त्याग दिया है। मैंने अपने प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में बन के सिंह के समान हो गया है और वह मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से घेरे हुए हैं? आओ, सब जंगली जंतुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ ताकि वह खा जाए। मेरी दाख की बारी को बहुत से चरवाहों ने बिगाड़ कर दिया, उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को निर्जन जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया और वह उजड़कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया तो भी कोई नहीं सोचता, जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाशक चढ़ाए हैं। यहोवा की तलवार देश के एक ओर से लेकर दूसरी छोर तक निगली जाती है, किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कटीले पेड़ काटे, उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण अपने खेतों की उपज के विषय में तुम लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इस्राएल को बनाया हाथ लगाते हैं। उनके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा, उसके बाद यहूदा के घरानों को उनके बीच में से उखाड़ूंगा, फिर उन्हें उखाड़ने के बाद मैं उन पर दया करूंगा और उनमें से एक एक को उसके निज भाग और देश में फिर लगाऊंगा। और यदि जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को पाल की सौगंध खाना सिखलाया है, उसी प्रकार से वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध लेने लगे कि यहोवा के जीवन की सौगंध, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे न माने तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ दूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यह वाणी है।